हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना शाम का बज रहा है 5 और आपको दिखाती हूँ बाहर किस तरह का मौसम हो गया है। फिर से काले बादल घिर गए हैं और बहुत तेज हवा चल रही है। फिर से लग रहा है कि मौसम खराब होगा, बारिश होगी। अभी 1 घंटा पहले की बात है कि मैं अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ में ना नीचे थी कैंपस में, और वहाँ हम लोग ना धूप सेक रहे थे। इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, और अभी आधा घंटा पहले से ना मौसम पूरा फिर से खराब हो गया और लग रहा है कि बारिश होगी और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो क्या है यार, एक दिन भी ब्राइट सनी डे जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। और ना मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, ये है यू ड्रेस, ये है शर्ट, ये है पैंट, और ये है टाई। तो शिवाय के स्कूल से ना यूनिफॉर्म मिला है। एक्चुअली शिवाय के स्कूल में होने वाला है एनुअल डे, और उसके लिए ये ड्रेस मिला है जिसमें कि शिवाय भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और हम लोगों के लिए ना इन्विटेशन कार्ड भी आया हुआ है, तो ये है इनविटेशन कार्ड। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं शिवाय के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। ये शिवाय का फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस होगा, और जब तक मैं कुकिंग करते रहती हूँ शिवाय यहाँ पे बैठ के अपना ये सब खेलता है, कुछ क्रियॉन्स से वो अपना काम भी करता रहता है। और अभी देखते हैं वो क्या कर रहा है। क्या कर ले वो, हाँ कहाँ है अंडा, देखो। ओ बत्तख रो रही होगी, शिवाय मेरा अंडा ले आया है। हाँ बत्तख रो रही होगी ना कि शिवाय मेरा अंडा ले आया है। हाँ जो दे दो बत्तख को, रो रही होगी वो। हाँ तुम खेलोगे, अच्छा खेल के दे देना, ओके। पेपा पिक देखना है तो एग से खेल रहे हो ना, अंडा से खेल लो, उसके बाद पेपा पिक देख लेना। ओके रिमोट दे रहे हो तो फिर एग दो उसके बाद। प्लीज 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 प्लीज, हाँ कब कब दोगे पहले बताओ, कब दोगे? सुबह को दोगे? ओके हाँ ओके लगा दो, क्या लगा दे? अच्छा ठीक है लगा देते हैं। और पढ़ाई करना है, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, ए बी सी डी नहीं। और फिर पढ़ोगे कब? सुबह को तो स्कूल चले जाओगे। हाँ और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। एक्चुअली मेरे किचन का नल वो ख़राब हो गया था, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया था, तो लगे हाथ ना मैं अपना जो डाइनिंग एरिया का वॉश बेसिन है उसका भी पाइप चेंज करवा ली, क्योंकि हॉट वाटर का जो पाइप था उससे लीकेज हो रहा था, तो हम लोग बंद करके रखते थे। तो अब पाइप चेंज करवा लिया है तो उसे यूज़ में ला सकती हूँ अब। और उसी दिन शाम में मैंने चिकन कोफ्ता करी बनाया था, तो बस उसकी रेसिपी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने चिकन बोनलेस चिकन मैंने मंगवाया था बेसिकली मार्केट से, और फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश करके साफ़ करके और फिर घर पे ही ग्राइंड कर ली थी, मतलब उसका कीमा बना ली थी। और बस उस कीमा में अभी जो मुझे डालना है उसका मैं मिक्सचर प्रिपेयर कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है अनियन, गार्लिक, जिंजर, और उसके साथ ले रही हूँ कुछ सूखे मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
और गरम मसाला, तो ये गरम मसाला ना स्टोर बॉट ही मैं लेके आई थी, वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ मिंट लीव्स। तो यहाँ पे मिंट लीव्स जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है ड्राइड मिंट लीव्स, क्योंकि मेरे पास फ्रेश मिंट लीव्स नहीं था। अगर आपके पास हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और बस इन सबको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मैं मसाला ग्राइंड कर रही हूँ उसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है, और बस उसे मैं जितना मतलब मुझसे हो पाया ग्राइंड मिक्सर में उतना ही मैं की हूँ। पानी ऐड करके पेस्ट नहीं बनाना है, बस ग्राइंड करके, और बस जो मिक्सचर तैयार होगा उसे कीमा में ऐड कर देना है। और उसके साथ मैं यहाँ पे एडजस्ट की हूँ सॉल्ट कीमा में, और बस मेरा जो कीमा का जो प्रिपरेशन है जिससे कि मुझे कोफ्ता प्रिपेयर करना है वो तैयार हो चुका है। तो बस अब मैं स्टार्ट करूँगी फ्राई करना कोफ्ताज। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें ऐड की हूँ मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप अपने चॉइस का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसमें अब मैं फ्राई करूँगी कोफ्ता। तो बस कोफ्ता को फ्राई करने के लिए मैंने बस ऐसे ही रैंडमली जो कीमा है वो मैं ले रही हूँ अपने पाम पे, और बस ऐसे ही बस फ्राई करते जा रही हूँ। मैं कोई पर्टिकुलर एकदम गोल गोल जो बॉल्स बनते हैं कोफ्ता के वो नहीं बना रही हूँ, बस रैंडमली जो कीमा है अपने हैंड पे उठा रही हूँ और बस उसे डालते जा रही हूँ। तो बस मेरा अभी एक बैच फ्राई होने के लिए पैन में जा चुका है, इसे मैं फ्लिप कर करके और इतनी देर फ्राई करूँगी जिससे कि ये अंदर भी अच्छे तरीके से पक जाए और बाहर भी इसका बहुत ही अच्छा एक क्रस्ट प्रिपेयर हो जाए गोल्डन ब्राउन कलर का। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से फ्लिप कर करके कोफ्ता को फ्राई कर रही हूँ। तो इसी के साथ अभी मेरा फर्स्ट बैच फ्राई होके कोफ्ता का रेडी हो गया है। तो इसी तरह से मैं बाकी जो कीमा है उनके भी कोफ्ते प्रिपेयर कर लूँगी। और यहाँ पे ना आपको एक टिप देना चाहूँगी, ये जो कोफ्ता है ना आप ऐसे भी स्नैक्स की तरह खा सकते हो, ये बहुत ही डिलीशियस था। बट क्योंकि मुझे करी बनाना है तो अभी मैं करी बनाऊँगी, और सारे कोफ्ते तेल से बाहर निकालने के बाद इसी सेम ऑयल में मैं करी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है जीरा, सहजीरा, कबाब चीनी, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, घोल की तेज़पत्ता। और इनका बहुत ही अच्छे तरीके से जब ये मसाले क्रैकल कर जाएंगे तो मैं ऐड कर दूंगी फाइनली चॉप किया हुआ अनियन, और इसे तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक, और इसे भी साथ में ही भूनना है। साथ में मैं ऐड कर दूंगी ग्रेटेड जिंजर, और इन तीनों को तब तक मैं भूनूंगी जब तक कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन तीनों का कच्चापन जो है वो ना निकल जाए। एक बार कच्चापन जैसे ही दूर हो जाए प्याज अदरक और लहसुन का, तो मैं इसमें फाइनली चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड कर रही हूँ। टोमेटो के ऐड करते ही मैं इसमें एडजस्ट कर दी हूँ सॉल्ट, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर और हल्दी, और इन सबको मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि वो अपना ऑयल ना रिलीज कर दे अच्छा सा। जैसे ही मसालों में से ऑयल रिलीज हो जाएगा और एक अच्छा सा कलर आ जाएगा मसाले में, तो मैं इस मसाले में ऐड कर रही हूँ दही, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके छोड़ दूंगी। दो से तीन मिनट के बाद लिड हटा के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। तो मसाले को कुछ इस तरीके से भूनना है कि स्पैटुला से ये बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए एक स्मूथ पेस्ट में। तो अभी देखिए मेरा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से
भुन के रेडी हो गया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि मसालों में से ऑयल भी अच्छा एक रिलीज़ हो गया है। तो बस इस स्टेज में मैं एडजस्ट कर दूंगी मसालों में पानी। पानी ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का ग्रेवी हो गया है मेरा, और इस ग्रेवी में अब मैं लगाऊंगी लिड और बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा ग्रेवी में, तो इसमें मैं ऐड करूंगी चिकन के कोफ्ते जो मैंने प्रिपेयर करके रखा था। तो एक बार जैसे ही ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा सा बॉईल आ जाए, तो बस इसमें मैं अभी ऐड करने लगी हूँ जो मैंने कोफ्ते प्रिपेयर करके रखे हुए थे। वो कोफ्तों को ऐड करने के बाद अगेन मैं कढ़ाई में लगाऊंगी लिड और इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी बॉईल होने के लिए। और उसके बाद मेरा जो चिकन का कोफ्ता करी है वो बन के हो जाएगा रेडी। तो बस अभी मेरा चिकन कोफ्ता करी बन के रेडी है, तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ चावल के साथ, और सजेस्ट भी करूँगी कि इसे आप चावल के साथ ही खाएं। ये बहुत ही डिलीशियस बना था, बहुत ही ज़्यादा। और जो कोफ्ता भी मैं प्रिपेयर की थी वो स्नैक्स की तरह हम लोग ऐसे भी खाए थे, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट ग्रेवी में जाने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही इन्जॉय किया मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। स्पेशली इस दिन मैं अपनी फ्रेंड को बुलाई थी लंच पे, तो हम लोग लंच पे साथ में कोफ्ता करी और राइस इन्जॉय किए, और सीरियसली बहुत ही डिलीशियस बना था ये। और ये एक प्रोडक्ट है जो रिसेंटली मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, तो इस दिन सुबह में ये मुझे डिलीवर हुआ था। और फिर जब ये डिलीवर हुआ तो उस टाइम तो नहीं, जब हम फ्री हुए शाम में, तो हम सोचे कि इसे इंस्टॉल किया जाए। तो ये बेसिकली ना मैं एक वॉल का रैक मंगवाई थी अमेज़ॉन से, तो ये वही आया है, और मैं और मेरे हस्बैंड लगे थे इसे इंस्टॉल करने के लिए। और ये ना सेम टू सेम जो मैं देखी थी अमेज़ॉन के साइट पे, वो एकदम सेम मुझे डिलीवर हुआ था। बस इसे इंस्टॉल करना था, ये अलग अलग पार्ट्स में आया था। तो बेसिकली मैं और मेरे हस्बैंड ना अभी इसे इंस्टॉल करने लगे थे, बट ये जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। ये बहुत ही टफ हमें लगा इंस्टॉल करना, तो हम लोगों ने फिर इसको छोड़ ही दिया, इंस्टॉल नहीं किया। अगले दिन मैं अपने घर पे बुलवाई थी कारपेंटर को, और ये बेसिकली मैं जो वॉल रैक है वो इंस्टॉल करवाना चाह रही थी मेरे डाइनिंग एरिया के पास। वो इसलिए क्योंकि जो डाइनिंग टेबल पे जितना भी छोटा छोटा सामान रहता है वो मैं इस पे रख पाऊँ, और थोड़ा मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो खाली रहे। तो बस मैं जिस तरह से सोच रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसी तरह से कल ये इंस्टॉल हो जाए। और इसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो बस नेक्स्ट डे कारपेंटर आए थे हमारे घर और इसे फिक्स किए जिस वॉल पे मुझे ये चाहिए था वहाँ, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था इंस्टॉल होने के बाद। तो बेसिकली जैसा मैंने साइट पे देखा था सेम टू सेम वो वैसे ही लग रहा था, और जो मेरा पर्पस था डाइनिंग टेबल थोड़ा खाली करने का वो भी सॉल्व हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बस इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ आज का अपना ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना रखिएगा ध्यान, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।